टाइम में जो लड़के होते हैं फंसा देते हैं, तो आसानी से लड़कियां फंस कैसे जाती? बोल रहे हैं कि आप हिंदू के जो भगवान है वो ऐसे नहीं करते, वो हेल्प नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। सब भगवान तो एक जैसे ही होते हैं ना। जिस तरह से वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि अल्लाह ही सब कुछ करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, वो ऐसा गलत है। किसी के भी खिलाफ, किसी के भी कहने पर मत आओ, अपने बॉयफ्रेंड के, अपने किसी के भी कहने पर मत आओ। जय श्री राम। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic. मूवी देखा है? हाँ। पॉजिटिव बातें लगी आपने, आपने देखा, और आपको ऐसा क्या लगा इस मूवी में जो सभी और जने को देखना चाहिए? तो ये मूवी तो मस्ट वॉच है, और किसी को देखनी चाहिए, और किसी को किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि अपना धर्म सबको प्यारा होता है और किसी के लिए धर्म नहीं बदल सकते। आजकल तो हॉस्टल्स में पेरेंट्स को भी यही लगता है कि बच्चों को जितना बाहर भेजेंगे पढ़ाई के लिए उतना ज्यादा बेटर है, और बच्चे फिर गलत रास्ते पे जाते हैं। तो ये शुरू से ही काम पेरेंट्स का ही है कि बच्चों को समझा के चले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। नमस्कार, आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिर से मैं द केरला स्टोरी, जो कि इस मूवी को आज बहुत सारे लोग देखने आए हैं, और इनसे पूछते हैं, आज मैं किसी मॉल में आया हूँ, और मॉल में थिएटर हॉल में, और लोग जैसे कि आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसी मूवी लगी। तो पहले हम मूवी देखे हैं। हाँ। पॉजिटिव बातें लगी आपने देखा, और आपको ऐसा क्या लगा इस मूवी में जो सभी और जिन्हें वो देखना चाहिए? मूवी तो मस्ट वॉच है ही है, मतलब सबका जैसे ब्रेन वॉश करते हैं वो सब चीज़ें दिखाई गई है। एंड मतलब कोई भी अगर आपको आपके धर्म के लिए खिलाफ बोलता है तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी है, बिकॉज सबका धर्म, अपन जो भी मानते हैं अपने धर्म के लिए, हर एक अच्छी बात होती है हर धर्म में, और किसी के कहने से हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये मूवी तो मस्ट वॉच है, हर किसी को देखनी चाहिए, और किसी को किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि अपना धर्म सबको प्यारा होता है और किसी के लिए धर्म नहीं बदल सकते। तो जय श्री राम और थैंक यू। वो किसी भी ट्रैप में ना फंस पाए, वो ऐसी बात है आप बता सकते हैं कि आप जैसे चंगुल में ना फंसे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने धर्म के बारे में सीखो कि क्या होता है क्या नहीं होता, अपने पेरेंट्स से पूछो, किसी के बहकावे में ना आए, अपना धर्म बहुत ही जरूरी अपने लिए, एंड ऑल थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। कि जो लड़के इस ट्रैप में फंस जाती है, जो भी होती है, किसी भी कम्युनिटी की हो सकती है, किसी भी रिलीजन से हो सकती है, और किसी खास रिलीजन से कोई टारगेट हमें कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को रिलीजन बदलाव नहीं कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि ये लड़कियों को इस ट्रैप में ना फंस पाए, तो आप कुछ बातें बतानी है जो हमारी जो भी व्यूअर होंगे तो देखेंगे, वो लड़के भी है देखती है, उनको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, आपको बात बतानी है। रिलीजियस में जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं उसका ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से वो लोग हिंदुओं के लिए बारे में बोल रहे हैं कि आप हिंदू के जो भगवान है वो ऐसे नहीं करते, वो हेल्प नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। सब भगवान तो एक जैसे ही होते हैं ना। जिस तरह से वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि अल्लाह ही सब कुछ करेगा, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा, वो ऐसा गलत है। तो वो इतना तो हर किसी लड़की को है कि वो लोग है ना अपने भगवान को गलत नहीं मानेगी। भगवान सब एक जैसा है और सब जगह हेल्प करता है, कोई भी अपने भगवान को गलत नहीं माने, चाहे कोई कितना भी ब्रेन वॉश करे। जैसे वो लड़की बेकाबू में आ जाती है और अपने हिंदू धर्म को छोड़कर, वो गलत किया, अपना धर्म कभी चेंज नहीं करना चाहिए, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज में हो, कुछ भी हो, अपने धर्म को कोई चेंज नहीं करना चाहिए। इस ट्रैप में जो लड़के होते हैं फंसा देते हैं, तो आसानी से लड़कियां फंस कैसे जाती है? वो अब जैसे कोई कोई लड़की जैसे डर जाती है किसी वजह से, अंधविश्वास में या किसी भी चीज में, कोई प्यार में पड़ जाती है, कोई अपने उसमें धर्म को चेंज करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए उनको अपना धर्म कभी चेंज नहीं करना चाहिए, और जो अपने पेरेंट्स के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसे मतलब ऐसे केसेस अभी भी मिलते हैं हमारे कंट्री में, और आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे कि प्लीज ऐसे मतलब रिलीजन को, अपने रिलीजन को मत छोड़ो? कोई भी अपने मतलब जो भी हिंदू का है या कुछ भी है वो छोड़ना नहीं चाहिए, किसी के लिए भी नहीं, अपना धर्म नहीं, कोई भी किसी के बहकावे में मत आओ, जो कहता है उसकी सुनो मत, अपने पेरेंट्स की सुनो, अपने पेरेंट्स जो कहते हैं उनकी सुनो पहले, जो भी हो अपने पेरेंट्स को बता के करो, और अपने पेरेंट्स को भी समझाओ अपना धर्म नहीं चेंज करे, किसी के भी कहने पर, किसी के सुनने पर, किसी के बहकावे में कभी भी नहीं आए। गर्ल्स को हमेशा अपने पेरेंट्स की पहले सुननी चाहिए, और बस अपना धर्म नहीं चेंज करे, वो हम यही सजेस्ट करते हैं, ओनली सारी गर्ल्स को भी यही बोलते हैं कि अपना धर्म कभी चेंज मत करो, किसी के भी खिलाफ, किसी के भी कहने पर मत आओ, अपने बॉयफ्रेंड के, अपने किसी के भी कहने पर मत आओ। सनातन धर्म हमारा बहुत पुराना है, अभी हिंदू धर्म को अपना रहे, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसी बातें हैं जो ना पहले नहीं समझी गई, लेकिन अब समझा जा रहा है। कहना चाहोगे हमारे हिंदू धर्म के बारे में? हमारा हिंदू धर्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा है, इस धर्म के लिए सब जने मरते हैं, और आप प्लीज किसी भी कहने पर मत आओ, और अपना धर्म ही होता है।
थैंक यू। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से। जय श्री राम। जोर से। जय श्री राम। ये लड़कियां जो लड़कों के ट्रैप में फंस जाती है, कोई भी रिलीजन हो सकता है, जरूरी नहीं कोई कोई खास रिलीजन हो, है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको ऐसी बातें बतानी है कि ताकि ये लड़कियां किसी लड़के के बहकावे में ना आ सके और कहीं और अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में ना जा सके। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों को सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए हर चीज़ में, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत विश्वास के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो बस उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, यही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, लड़कियों को अभी कोई समझ नहीं है इस चीज़ की कि किसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो बस मैं यही, उनको समझदारी रखनी चाहिए, समझदारी रखनी पड़ेगी, और इसमें पेरेंट्स को ही स्टार्टिंग से ही उनको ये चीज़ समझानी पड़ेगी, जिससे कि उनको ये पता चले कि भाई हाँ, ये यहाँ पे हमें नहीं फंसना है, क्योंकि ये हमें पहले से ही सिखाया गया है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, तो उन्होंने बस उनकी बात माननी चाहिए, मेन तो यही है। बाकी तो अभी तो हर जगह पे जो ऐसा चल रहा है वो तो बहुत ही खराब सिचुएशन है, और आजकल तो हॉस्टल्स में पेरेंट्स को भी यही लगता है कि बच्चों को जितना बाहर भेजेंगे पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा बेटर है, और बच्चे फिर गलत रास्ते पे जाते हैं। तो ये शुरू से ही काम पेरेंट्स का ही है कि बच्चों को समझा के चले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां, लड़कों को भी सिखा के चलना चाहिए। आज लड़कों को भी तो वही एजुकेशन मिलती है, वही सब, हाँ वही सब संस्कार मिलते हैं, तो अगर लड़के संस्कारवान होंगे तभी वो लड़कियों के साथ खराब करने से बचेंगे। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लड़कियों को भी करना चाहिए और लड़कों को भी करना चाहिए, उनको संस्कारवान बनाना चाहिए, रिलीजन को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ेंगे, स्टार्टिंग से हम जिस चीज में कर रहे हैं, हम पल रहे हैं, जैसे हम पूजा करते हैं सब करते हैं, ये स्टार्टिंग से उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए बच्चों को पेरेंट्स के द्वारा, तो उनको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। और ये ना 32,000 लगभग महिला मतलब लड़कियों का केरल में ट्रांसफर हुआ अलग रिलीजन में, ये बहुत ज्यादा संख्या है। कहने से क्या होगा, मैं तो कहती हूँ सबको ये मूवी देखनी चाहिए, ये मूवी देखो, इस मूवी के थ्रू इतना अच्छा संदेश मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए, रियल स्टोरी आपको बताई जा रही है। आज हम इतनी एज में हो गए हैं, हम 30+ है, तो भी हम ये चीज देख के हमारा अंदर पूरा हिल गया है, तो मैं तो सोचती हूँ हर टीन एजर्स के लिए ये मूवी फ्री करनी चाहिए। आज हम ये सिंधी समाज के द्वारा किया गया जो भी फ्री, हम सिंधी लोग आए हैं, मैं तो कहती हूँ ये वाली मूवी हर एक लड़की को, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, फ्री रखनी चाहिए। और स्पेशली ये चीज कहना चाहूंगी मैं कि एज ग्रुप आप प्लीज लिख दो 14 to 35, इस एज ग्रुप के ही बच्चों को, लड़कियों को ये मूवी दिखाओ, क्योंकि सीट्स होती है लिमिटेड, लेकिन उसमें आ जाती है एजेड, जो 55, 60+, 70, वो आके फ्री में मूवीज देख रही है, तो उनको क्या मतलब देखने का। आप एज ग्रुप लिखिए, आप आधार कार्ड लीजिए, 14 to 35 years की एज की लड़कियों को ही आप ये मूवीज दिखाइए, ये उनके लिए है, ये हम उनको संदेश देना चाहते हैं, ओल्ड एज वालों को संदेश नहीं देना चाह रहे हम। मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं होते ना कि उनका माइंड कुछ डिसीजन ले पाए, उनका 14 to 18 जो भी एज की लड़कियां होती है, क्यों उन्हीं को तो देखने की जरूरत है। आज आज वो देखेंगी तभी तो सीखेंगी कि देखो ये इस तरह से फंसी है, उनका अंदर हिलना चाहिए, तभी वो आगे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो तभी नहीं फंसेंगी। तो ये हम पेरेंट्स को तो मालूम है, हम ये मूवी ना देखते तो भी हमें पता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन समझने की जरूरत उन टीनएजर्स लड़कियों को है, उनको ये मूवीज दिखानी चाहिए, मुझे तो ये लगता है, मेरा पर्सनल व्यू रिव्यू यही है कि ये ऐसा करना चाहिए। प्लीज लड़कियों को मुफ्त में दिखाइए, फ्री में दिखाइए। बंगाल राज्य में ये मूवी बैन हुई, तो ऐसा मतलब गवर्नमेंट का क्या इशू है कि मतलब बैन तो होंगी ना, ये बंगाल है, श्रीलंका है, ये सब क्या है, ये यहीं पर ही तो सब कुछ हो रहा है, ये यहीं पे ही तो लड़कियों का ये सब धर्म परिवर्तन, हाँ ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, या उनका किडनैपिंग होती है, या उनको ऐसे बहला फुसला के कर रहे हैं, ये वही तो राज्य है, उधर तो बैन होनी ही है, लेकिन जहाँ पर बैन नहीं है हम वहां पर तो कोशिश कर सकते हैं ना ये मूवीज दिखाने के लिए। मैं तो कहती हूँ ये OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग यहाँ पर आने से पहले अपना उधर OTT प्लेटफॉर्म पे ये सब देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे, या हर जगह पे, Z5 पे, सब जगह पे इसको फ्री में दिखाई जाए, ताकि हर घर तक ये चीज जाए। जैसे ये मूवी बनी है, बहुत मेहनत से बनी है, और ये मूवी कोई बनाना नहीं चाहता था, बॉलीवुड में कोई भी नहीं है, साउथ में सब एंटरटेनमेंट और बाकी एक्शन मूवीज बना, जिसने भी ये बनाई है उसके लिए तो हैट्स ऑफ,
टू देम जिन्होंने ये बनाई है, जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, इस मूवी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इतनी रिसर्च की, उनके लिए रियली हैट्स ऑफ। और आज उनके लिए भी ये चीज़ है कि जिन्होंने हमें ये फ्री में दिखाई है। आज कई लड़कियाँ भी आई होंगी यहाँ पे, तो सिंधी कम्युनिटी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने ये दिखाया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम मूवी का नाम सुन के हमारी इच्छा ही नहीं करती है जाने की, क्योंकि मूवी के लिए हम एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। अगर ये फ्री का शो नहीं होता तो शायद हम भी नहीं आते, और हमारे जैसी कितनी लड़कियां होंगी जो नहीं आती। तो आज ये फ्री का शो उन्होंने किया, तो आज हमें भी इतना देखने को मौका मिला है, और ये रियल स्टोरी पे है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हॉस्टल की लड़कियों को हर स्कूल हर कॉलेज में जाके आप बड़ी लड़कियों को आप इनकी टिकट्स दे। आज अंदर समोसे मिल रहे थे, पॉपकॉर्न्स मिल रहे थे, है ना, बहुत अच्छी बात है। अब यही चीज़ अगर आप ना टिकट्स हर स्कूल हर कॉलेज में अगर आप दे के आएंगे तो ये उनका भला हो जाएगा। आप हर एक लड़की को दो टिकट्स दीजिए, ताकि वो यहाँ अपने फादर के साथ आए या अपनी मदर के साथ आए। दो टिकट्स हर लड़की को मिलनी चाहिए हर अपने जोधपुर के सिनेमा हॉल की, तो ये हर घर में जाएगी। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा आप आगे ये करिए, बिल्कुल, क्योंकि हमारे भी घर में बेटी, मेरी भी बेटी है, तो बहुत छोटी है वो, अगर वो बड़ी होती तो मैं उसको अपने साथ जरूर लेके आती। अभी वो बच्ची, अभी 8 साल की है, वो कुछ समझेगी भी नहीं। अगर वो बड़ी होती तो मैं जरूर अपने साथ उसको लेके आती, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की देखे ये। बहुत बहुत थैंक यू। आप किसी राम बोलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। नमस्कार, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये मूवी देख के आए, अभी जस्ट बाहर आए, तो इनसे पूछते हैं कि आपको जो थिएटर हॉल में जाए और जाके पता कैसे लगा कि ये लड़कियों के बारे में, और कैसी बातें आपको पता चली कि इस मूवी के बारे में, ऐसी बातें बताओ। मूवी हम देख के आए, मूवी तो बहुत नॉलेज देने वाली थी गर्ल्स के लिए मेनली, क्योंकि गर्ल्स हमको लगता है कि अगर बाहर भी हम पढ़ने के लिए गर्ल्स को भेजते हैं तो उनको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और हम किसी ट्रैप में ना फंस जाएं, और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और कम से कम अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको अपने पेरेंट्स को ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे हैं, उनको अपने पेरेंट्स से कुछ ना छुपाएँ। तो मुझे लगता है कि बहुत मूवी गर्ल्स को बहुत जागरूक करने वाली है। और जैसे कि अलग अलग राज्यों में ये है ना बैन हो रही मूवी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी सरकार, और ये मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टेट बैन कर रहे हैं इस मूवी को? वो मुझे यही लग रहा है कि बैन इसलिए कर रहे हैं कि अगर जो सरकार भी है या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर इसमें शामिल होती है तो उनको लगता है कि अगर वो फंस ना जाए या कुछ, ऐसा लगता है मुझे, तो हो सकता है इसलिए बैन हो रही है, यही रीजन हो सकता है। पर फिर भी ये जो इन्होंने एक कदम उठाया है कि गर्ल्स के लिए मूवी बनाई है, और लोगों को ये जो दिखा रहे हैं मूवी टैक्स फ्री करके या जैसे भी, तो बहुत अच्छा कदम उठाया है मोदी गवर्नमेंट की। बहुत अच्छी बात है कि सपोर्ट किया है इस मूवी, बहुत बहुत सपोर्ट है मोदी सरकार का। अरे भाई मिले हैं जो कि पूछते हैं कि कैसी लगी आपको मूवी। मेरा नाम मनोज केसवानी है। ये मूवी एक समाज के बच्चों के लिए संदेश है, और उनके पेरेंट्स के लिए भी एक ये संदेश है कि अपने बच्चों को समझाएं और बचपन से उनको अपने समाज के बारे में, अपने भगवानों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में उनको समझाएं कि हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या बातें होती है, हमारे गॉड्स कितने पावरफुल हैं, और उनको कहीं भी बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं या करते हैं तो उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ भेजें, और उनका बहुत समझा बुझा कर उनको भेजें, उनके साथ कुछ भी होता है और इस प्रकार की कोई भी बातें होती है तो वो अपने बच्चों को बोल के बोझे हमसे शेयर करें, ताकि वो भटक नहीं पाए। और ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है, कोई भी कौम कोई भी कास्ट खराब नहीं होती है ऐसे, लेकिन उन 30% की वजह से ये सारा माहौल खराब होता है, और हम चाहते हैं, हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, और ये अच्छा संदेश है मूवी का, और मूवी बहुत ही अच्छी है, और हम यही पेरेंट्स से आगे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को बचपन से अपने धर्म ज्ञान के बारे में बताया जाए, ताकि उनका ब्रेन वॉश कोई ना कर पाए। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा मूवी बनाया है, खासकर आज हमारे सिंधी भाइयों ने ये पिक्चर हमको स्पेशल हमारे सिंधियों के लिए शो रखा था, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत खुशी हुई है। ऐसी मूवी हर लड़की को, हर लेडीज को देखनी चाहिए, बच्चों को बोल्ड होना चाहिए और समझ रखनी चाहिए, हर एक पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बस बाकी तो ये जो केरला में, अपने जोधपुर जैसे शहर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस भी केसेस होते हैं ऐसे, केसेस आ जाते हैं, केसेस आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए सजग तो रहना ही चाहिए लड़कियों, वही आजकल तो वैसे भी बच्चे आजकल मैच्योर है,